मेरे दिल के जज्बातों का अगर सिला देना तो बस इतना करना, अपने घर बुला के चाय पिला देना। सो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में। चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ वी आर इन जयपुर एंड यू आर वॉचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है बहुत जबरदस्त धमाल और आज भी होगा कमाल। लेकिन उससे पहले माइक टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि इस बार लॉजिस्टिक वेलफेयर सोसाइटी ने एक फैमिली गेट टुगेदर का किया है आयोजन, जिसका कार्यभार हमें सौंपा है। तो इसका संचालन और संयोजन शाम के वक्त किया जाएगा, उसकी झलकी अभी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सो कीप वॉचिंग चाय बस्टर। सो गाइस, तैयारी फुल फ्लेजर चल रही है और अभी जो है स्टेज का काम चल रहा है। स्टेज पर एलईडी लगेगी, एलईडी स्क्रीन जिसको बोलते हैं। सो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर द मोमेंट, शाम का वक्त का सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम इन जयपुर व्हेन एवर समथिंग हैपनिंग इज हैपनिंग। तो यही है कि देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा होता। बाकी तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और एक बार मैं पूरा वेन्यू का ऑल ओवर लुक आपको दिखाना चाहूँगा कैमरा फ्लिप करके। ये वेन्यू है, ये जितने भी लॉजिस्टिक और शिपमेंट्स जुड़े हुए हैं ये सारे स्पॉन्सर्स हैं। ये मेन स्टेज है, यहाँ पे भी कुछ है। और इस बार जो सबसे बड़ा रोल हमारा आधा टेंशन दूर किया वो धाकड़ ने किया है, आशीष ब्लू शर्ट में आप देख पा रहे हैं। धाकड़ है यहाँ पे, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। वाकई ऐसी ही धाकड़ है, धाकड़ की जान पहचान। सो दिस इज द सिनेरियो एंड आई एम रियली थैंकफुल टू धाकड़, क्योंकि ये सारी एमिनिटीज सारी फैसिलिटीज जो है आज हमें धाकड़ ने प्रोवाइड करवाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने एक बार कहा था कि संस्था का कार्यक्रम है और प्रोफेशनली हम चार्ज नहीं कर पाएंगे, बट ओवरनाइट धाकड़ इज द ओनली वन मैन आर्मी जिन्होंने इन सारी चीज़ों को रातों रात मैनेज किया है। एंड नाउ वी आर डन, अब करते हैं इनकी सजावट। वी आर रियली थैंकफुल टू यू धाकड़, धन्यवाद आपका, बने रहें। और पूरे कार्यक्रम में धाकड़ हमारे आज शागिर्द होंगे और हमें असिस्ट करेंगे। चलिए स्टे ट्यून्ड विद अस। अब आइए फटाफट देखते हैं फाइनल शो की कुछ झलकियां। बचपन का प्यार, यानी बचपन का प्यार, तुम थी मेरी फ्रेंड और मैं था तुम्हारा यार। मैं बच्चा था तुम बच्ची थी, पर प्रेम कहानी सच्ची थी, खेल खेल में हुआ था प्यार, तुम और हमारी कच्ची थी। इस गाने का रचयिता मैं खुद हूँ, यानी कि इस गाने को मैंने लिखा है। अगर गाने के बोल पसंद आए तो रिकॉर्ड लेबल म्यूजिक फितूर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाके आप इस गाने को पूरा सुन सकते हैं। और हाँ, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। इस गाने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चाय बस्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाना था मेरे दिल का, मेरे दिल के बहुत करीब, जिसको कंपोज मैंने किया है, राइट्स बादशाह के हैं, लेकिन इसे लिखा भी मैंने है और ये मेरी सच्ची घटना पर आधारित है। मेरा नाम है नील सिवाल और मेरे पीछे है एलईडी की जॉइंट दीवार। जोक्स अपार्ट, लॉजिस्टिक वेलफेयर सोसाइटी का ये कार्यक्रम फैमिली गेट टुगेदर है, जिसका कार्यभार हमारे ऊपर सौंपा गया है। तो आइए इस कार्यक्रम की झलकियां आपको दिखाते हैं। आज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, इसका संचालन, इसका संयोजन, इसका कार्यभार इन कंधों पर दिया गया है, तो LWS का सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लॉजिस्टिक वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े परिवारों के बच्चों को यहां सम्मानित किया गया अवार्ड से, जिन्होंने अपने शैक्षणिक संस्थानों में उत्तीर्ण स्थान हासिल किया। सुभाष नाथोलिया,
और इनके पेरेंट्स, मैं इनकी सुभाष नातुलिया जी की वाइफ भी आए, सुभाष नातुलिया जी की वाइफ लाने में काम होता है। आप नीचे कैसे जा रहे हैं, आप आओ आइए। पेरेंट्स पूरे मदर और फादर आए, जैसे बच्चे का नाम हमारे ट्रेड के बहुत बुजुर्ग सबसे पहले तालियों की गड़गड़ाहट, बहुत मेहनत करके बहुत बहुत बधाई है। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई है। अवार्ड के अलावा हाउसी कंपटीशन, ओपन स्टेज डांस कंपटीशन के अलावा बच्चों ने, महिलाओं ने जमकर गेम एक्टिविटीज के लुत्फ उठाए और इस शाम का भरपूर आनंद लिया। कई सदस्यों ने अपनी अलग अलग प्रतिभाओं का भी बखूबी प्रदर्शन किया। वही सदस्यों के बच्चे भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी अग्रिम पंक्ति में आकर खड़े हो गए और उन्होंने भी दिखाया अपना प्रदर्शन जबरदस्त। किसी ने अपने नृत्य से और किसी ने अपने कंठ संगीत से उपस्थित मेहमानों का दिल मोह लिया। वहीं कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो पहली बार मंच पर आने के बाद हतप्रभ महसूस कर रहे थे। फाड़ दो। और यकीन मानिए, इसने मंच पर आने के बाद फाड़ भी दिया, मंच को नहीं हमारी उम्मीदों को। हालांकि हम किसी भी सूरत में बच्चे का मजाक नहीं बनाना चाहते, इसमें एनर्जी की कमी तो थी, लेकिन इतने मेहमानों के सामने भी इस बच्चे ने अपनी भाव भंगिमाओं से सबका दिल जीत लिया। और कार्यक्रम के अंत में सभी ने राजस्थानी पकवानों का, पारंपरिक पकवानों का जमकर लुत्फ उठाया। और अब सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं अगले दिन में, और आज हम जा रहे हैं सालासर धाम और खाटू श्याम। कमेंट जरूर कीजिएगा, जय श्री बालाजी, जय जय श्री श्याम। सालासर धाम में इस पवित्र अग्नि कुंड के हमने दर्शन किए, यहाँ आशीर्वाद प्राप्त किया और उसके बाद बाबा बजरंग बली की विशाल काय प्रतिमा के भी दर्शन किए और वहां भी हमने हनुमान जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। कहते हैं कि राम नाम की साबुन से जो मन का मैल धुलाएगा, निर्मल मन के शीशे में भगवान का दर्शन पाएगा। और अब हम सालासर छोड़कर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन खाटू श्याम जी जाने से पहले हमें सुजानगढ़ जाने वाले रास्ते में एक गौशाला में रुकने का मौका मिला, जहां हमने अपनी आत्म संतुष्टि के लिए बीमार गायों को चारा इत्यादि खिलाकर दिमागी शांति प्राप्त की। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर कभी आपको भी यहां आने का मौका मिले तो आप जरूर इधर पधारें। यकीन मानिए, इन बीमार पशुओं के लिए आप एक उम्मीद की किरण साबित होंगे।
और यहाँ आकर एक विचित्र शांति और एक अद्भुत आनंद का अनुभव आप करेंगे। श्री बालाजी गौशाला संस्थान सालासर से जब आप सुजानगढ़ की तरफ जाते हो तो तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर ही ये रास्ता है। तो कभी भी अगर आप गौ माता से प्रेम करते हैं और अगर उनके जो बीमार गौ माताएं हैं, जो गायें हैं, जो लाचार हैं, वो पशु भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उनके उपचार हेतु आप दान करना चाहें यहाँ आकर, उन्हें कुछ गुड़ तूड़ी या फिर कुछ घास वगैरह खिलाना चाहें, चारा वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, जो भी कुछ आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनको खिलाना चाहते हैं, तो जब भी आप सालासर के पास पधारें तो बालाजी गौशाला संस्थान सालासर आप ज़रूर पधारें। तो हम चाहेंगे एक बार ये सारी गायों से आपको एक छोटी सी मुलाकात करवाने के लिए। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। सालासर दर्शन करने के लिए आए या आप घूमते फिरते सीकर या सुजानगढ़, बीकानेर या फतेहपुर अगर आसपास कभी हैं तो आप श्री बालाजी गौशाला सालासर जरूर पधारें। स्टे ट्यून्ड विद अस। बोले बालाजी महाराज की जय। काफी विस्तृत क्षेत्रफल में फैली हुई है ये गौशाला और इसके अलावा ये काफी रमणीय स्थल है। हाँ, ये भैया हमें दिखा रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। डैमेज हो गया था 11,000 लाइन से, करंट आ गया था, तो हमारी एम्बुलेंस गई 15 किलोमीटर जाके इस मोर को, इन्हीं को लेके आई और इसका इलाज कर दिया। बिल्कुल, हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है चमेली नाम से। क्या बात है, चमेली के नाम से इनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है और ये तीनों मोरों को यहाँ संरक्षण दिया गया। इन्हें करंट लग गया था और डैमेज हो गए थे ये बहुत ज्यादा, लेकिन इनकी सुचारू रूप से इनका उपचार किया गया और इनको टेक ओवर करके अब इस राष्ट्रीय पक्षी को यहाँ संरक्षित किया गया है। ये बहुत सारे कबूतर वगैरह भी यहाँ, ये हिरण डैमेज हो गया था, जंगली है, इसको देखो सींग टूट गया था, ये एक सींग बड़ा एक छोटा है, एक पैर से घायल हो गया उसके अंदर, इसको हमारी एम्बुलेंस 5 किलोमीटर जाके उसको लेके इसका इलाज किया गया। ये हिरण भी डैमेज हो गया था जैसा कि भैया बता रहे हैं और देख लो सिंह छोटा बड़ा, इसका सिंह टूट गया था जी, देख पा रहे हैं, देख लो। यानी वाकई ये बहुत ही बड़ी सेवा है और इसको बराबर सब कुछ मिल रहा है, अब ये नहीं है कि मिल रहा है ऐसे ही, यानी इनको दिन की पूरी खुराक भी दी जाती है और इनका पूरा रख रखाव रखा जाता है। ये छोटे खरगोश है यहाँ ऐसा नहीं है कि एक चिड़ियाघर मात्र बना दिया गया और इनका रख रखाव नहीं है, और इन्हें बहुत साफ सुथरी जगह बनाई गई है और प्रचुर मात्रा में इन्हें भोजन दिया गया है और इनको देख के इनके मुंह पर, चेहरे पर एक शांति का भाव नजर आ रहा है। ये बतख का साफ सुथरा है, सब घर वगैरह एकदम, कोई स्वस्थ नहीं है एकदम। ये बतख है करणी माता के चूहे हैं, ये सफेद चूहे खरगोशों के साथ, तो भैया गौशाला में इसके अलावा जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बड़े यहाँ मनाई जाती है शादी की यात्रा, मनाई जाता है बहुत बड़े बड़े यहाँ धार्मिक स्थल है, हर चीज़ एक प्रोग्राम होता है, हरी सब्जी फल फ्रूट खिलाया जाता है, केक कटा जाता है, जिसका बड़ाई मनाया जाता है उसका केक का कटता है, मिठाई मुठाई खिलाई जाती है, वो गौ माता को सब सेवा करते हैं सब लोग। यानी समर्पण का भाव यहाँ इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर छप्पन भोग लगाया जाता है, गौ माता को छप्पन भोग दिया जाता है, गाय माता को छप्पन भोग लगाया जाता है, और किसी भी फेस्टिविटी में शामिल होने की जब बात आती है, चाहे वो हमारी मैरिज एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, या किसी भी तरह के पूजा पाठ या उस तरह के कोई भी धार्मिक अनुष्ठान अगर करवाने हो तो आप यहाँ करवा सकते हैं। इससे बेहतर कोई जगह सेलिब्रेशन के लिए आई गेस हो ही नहीं सकती। और गायों को जो अंकुरित गेहूं जो होते हैं तो वो यहीं पर उनको अंकुरित किया जाता है और पनपाया जाता है, जिसको हमने भी गौ माता को दिया है, वो इसकी खेती इंडोर कैसे होती है आइए हम आपको दिखाते हैं। ये पूरा वातानुकूलित है, एसी लगाया हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल देसी है ये जो है ये गौ माता को खिलाया जाता है,
24 में ऐसी चलती है, एक प्लेट के अंदर 900 ग्राम वजन आता है, एक हफ्ते भर के बाद उसका 8 केजी वजन हो जाता है। पानी की हर 3-3 घंटे से ऑटोमेटिक पानी लगता है, तीन बार दुखती प्लेट दुखने के बाद इसमें दिया जाता है। पहले इस बोरी के अंदर अंकुरित होता है, 36 घंटे बोरी में अंकुरित होने के बाद इसमें लगाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा वातानुकूलित एयर कंडीशनड चैम्बर है, और कुछ ही दिनों में ये विदाउट यूरिया विदाउट एनी खाद बिना मट्टी के ये फसल तैयार होती है। सबसे पहले ये प्रोसेस शुरू होता है इन बोरियों से, और 36 घंटे तक जौ और गेहूं को बोरी में अंकुरित किया जाता है। अंकुरित करने के बाद फिर ये यहाँ से प्लेट में डाला जाता है, प्रोसेसिंग शुरू होती है, और अंततः इसका फाइनल रूप आपके सामने है, ये गौ माता को खिलाया जाता है। ये बहुत ही एक सुखद और बहुत ही सफल प्रयास है, और इसको हम बालाजी गौशाला सालासर को सल्यूट करते हैं, और दिल से हम बहुत ही उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने गौ माता के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव उठाया हुआ है, और निरंतर ये सेवा जारी है। बोले बालाजी महाराज की जय, गौ माता की जय। और अब हम सालासर से निकलकर बढ़ रहे थे आगे, यानी खाटू धाम जाने के लिए बाबा श्याम के दर्शन हेतु। और हम पहुंच चुके हैं बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम। आप भी दर्शन करें बाबा श्याम के, बिल्कुल लाइव। बाबा श्याम की नगरी से निकलकर अब हम पुनः लौट आए हैं गुलाबी नगरी जयपुर, और काफ़ी लंबे समय के बाद व्लॉग अपलोड हो रहा है, तो रक्षाबंधन से ले के गणेश चतुर्थी तक हम आपको दिखाएंगे। रक्षाबंधन पर रश्मि से राखी बंधवाने के बाद अब हम देहरादून की तरफ कर रहे हैं कूच, और जयपुर से उड़ान भरने के मात्र 45 मिनट के बाद हम पहुँच गए हैं देहरादून, और यहाँ हमने अपनी प्यारी छोटी बहन प्रियंका से बंधवाई राखी, और उसके बाद जमकर मिठाइयों का उठाया लुत्फ, बढ़ाया अपना वजन। जयपुर और देहरादून आने के बाद अक्सर यही होता है, मैं तकरीबन 4-5 किलो वजन बढ़ाकर लौटता हूँ। इन भाई साहब को देखिए, कहने को ये देहरादून के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन किसी एक्टर से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर ये काफी फेमस हैं। इस बार लंबे नहीं, छोटे मोटे कार्यक्रम के हिसाब से हम आए थे देहरादून, और पुनः अब लौट रहे हैं कोलकाता की तरफ, हमारे मुख्य कर्मस्थली दिल्ली में हमने लिया एक छोटा सा पड़ाव, और उस लेओवर के बाद हम उड़ चले कोलकाता की तरफ, क्योंकि उसके अगले ही दिन नंद के लाला गोविंद गोपाल का था जन्मदिन, यानी जन्माष्टमी का पर्व हमने अपने घर पर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया, जहां हमने झांकी के तौर पर पूरे ब्रह्मांड को बनाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया था। और 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि अब आ चुकी थी गणपति गजानंद आनंद करने वाली गणेश चतुर्थी। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम हमारे धार्मिक अनुष्ठानों और हमारे बार त्योहारों को विधिवत तरीके से और सच्चे मन से करने का प्रयास करें, बाकी कहीं कोई त्रुटि रह भी जाती है तो भगवान भोले भक्तों को माफ करते हैं। वक्त का पहिया बड़ी तेजी से घूमता है, और ये है हमारी प्यारी बेबो, जिसके साथ वक्त का पता नहीं चलता। अब वक्त को देखते हुए वक्त है शूट का, जिसके लिए मुझे रेडी किया जा रहा है। एक डिजाइनर शूट है ट्रेडिशनल और इंडो वेस्टर्न अटायर की, और यहाँ हमें प्रॉपर बंगाली बाबू का लुक देकर तैयार कर दिया गया है। अब शुरू होगा। रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट अनु सराफ ने हमें रेडी किया है। एक फोटोशूट देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। काफी सारी पिक्चर्स क्लिक करने के बाद
इक्की दुक्की पिक्चर ही सोशल मीडिया या होर्डिंग्स के लिए सेलेक्ट की जाती है। ये शूट चल रहा है साउथ कोलकाता के बेहाला इलाके के क्रिएटिव स्टूडियो में, जहाँ का एनवायरनमेंट और एम्बियंस बहुत गजब का है। और इस शूट में मेरा साथ दे रही हैं राजनंदिनी, जो कि कोलकाता की एक रेनाउंड मॉडल हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। चेंज कुछ ज्यादा नहीं थे, चेंज सिर्फ दो ही हुए, लेकिन इसके बावजूद इस शूट में आधे से ज्यादा दिन चला गया। इसका फाइनल रिजल्ट क्या आया वो देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करते हैं तो कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरी आईडी मैंने दे दी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं, और आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया तो किस बात के लिए पसंद आया, और अगर इसमें कुछ ना पसंद रहा तो वो क्या था, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाहे बगाहे अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी आपकी और हमारी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।